Hello everyone, I am Professor M.B. Chate, welcomes you all in the 42nd lecture of Electrical Measurement subject. So my dear students, we have discussed about the synchroscope in the last lecture, right? So we have discussed about, first of all, this is the diagram of the synchroscope, Western type synchroscope. ठीक है, यहाँ पे ये मैंने स्लाइड ऐड की है, इसमें एक्चुअल फोटोग्राफ दिखाया है सिंक्रोस्कोप का, ताकि आपके समझ में आए सिंक्रोस्कोप एक्चुअली होता कैसा है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये स्लो पोजीशन है, ये फास्ट पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे ये सिंक्रोस्कोप जो दिखाया है, यहाँ पे इसमें दो फिक्स्ड कॉइल है, ये मूविंग कॉइल है। ठीक है, ये पॉइंटर है आपका, ये स्लो पोजिशन है, ये फास्ट पोजिशन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली इसमें होता है, तो ये आपका सिंक्रोस्कोप है। अगर ये डायग्राम आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो मेन एग्जाम में आप ये भी डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायग्राम इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप सिंक्रोस्कोप का दिखा है, ये बस बार के आर वाई बी फेजेस है, ये सिंक्रोनाइजिंग टाइप का स्विच है यहाँ पे। ठीक है, ये इनकमिंग मशीन है आपकी, और ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है, उसके सेंट्रल लिंब पे यहाँ पे लैम्प कनेक्ट किया, यहाँ पे भी ये एक दिखाया था ऊपर ने ट्रांसफार्मर और उसको लैम्प कनेक्ट किया था। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप मेन एग्जाम में निकाल सकते हो। इसका हमने फंक्शन देखा है, पर्पस देखा है लास्ट लेक्चर में, नेसेसिटी देखी, वर्किंग देखा है, उसका यूज देखा है लास्ट क्लास। सो नाउ इन टूडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको हम सीआरओ बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, तो ये उसकी एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ की, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें जो मेन मेन नाम दिए हैं, ये आपको ध्यान में ही रखना है। ये इनपुट सिग्नल यहाँ पे देंगे अपन वर्टिकल एम्पलीफायर को। ठीक है, ये डिले लाइन है आपका, देन यहां से हम वर्टिकल एम्पलीफायर से ये ट्रिगर सर्किट को जाएगा एक सिग्नल टी। ठीक है, फिर इससे हम टाइम बेस्ड जनरेटर है ये ब्लॉक, उसके बाद का ब्लॉक है आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ठीक है, तो ये आपके हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है आपकी ये। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है और ये आपके हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, और यहाँ से डिले लाइन से यहाँ पे आएगा, ये है आपके वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। यहां से एक इलेक्ट्रॉन बीम जाती है आपकी, ठीक है, जो यहाँ पे आपके फास्फोरस स्क्रीन पे जाती है डायरेक्टली, उसको हम इलेक्ट्रॉन बीम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम जाती है आपकी, और ये आपकी फास्फोरस स्क्रीन है, ये आपका ल्यूमिनस स्पॉट है यहाँ पे दिख रहा है, और ये एचवी सप्लाई हम डायरेक्टली सीआरटी को देते हैं, कैथोड रे ट्यूब को बोलते हैं इसको, सीआरटी को। ठीक है, और एलवी सप्लाई हम तो ऑल सर्किट को देते हैं। ठीक है, तो ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की। तो आपने सीआरओ लैब में कहीं देखा होगा, सीआरओ एक्चुअल दिखता कैसा है, उसका एक्चुअल फोटोग्राफ यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो ये है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इसका जो इंटरनल सर्किटरी होता है, ये है उसका इंटरनल सर्किटरी। ठीक है, एक्चुअल फोटोग्राफ है सीआरओ का। यहाँ पे ऐसे कुछ नॉब्स दिए होते हैं, इससे हम वहां पे सिग्नल की स्ट्रेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो भी इंटेंसिटी है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट नॉब्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रोब कनेक्ट करने होते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लैब में देखने को मिलेगा। नाउ विल सी द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ द सीआरओ। ठीक है, हमने क्या क्या ब्लॉक देखे हैं सीआरओ के डायग्राम में, ये देखो, ये सारे नाम मैंने आपको बोले, वर्टिकल एम्पलीफायर है, डिले लाइन है, देन ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। ठीक है, ये सारे ब्लॉक के हमें फंक्शन देखना है। तो पहले देखेंगे, फर्स्ट वर्टिकल एम्पलीफायर का ब्लॉक है अपने पास। सो वर्टिकल एम्पलीफायर स्ट्रेंथन्स द इनपुट सिग्नल अप्लाइड टू द वर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेट्स। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, वहां के इनपुट सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है, विच जो हम अप्लाई कर रहे हैं वहां के वर्टिकल डिप्लेक्टिंग प्लेट्स को। ठीक है, तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, ये इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, ते इनपुट सिग्नल अपने स्ट्रेंथन करल, आणि ते इनपुट सिग्नल अपन कुठे दिलेले, मग या वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ला दिलेले, या डिले लाइन थ्रू। ठीक है, तो द
तर हे फंक्शन आहे आपल्या व्हर्टिकल एम्प्लीफायरचं. व्हर्टिकल एम्प्लीफायर स्ट्रेंथन्स द इनपुट सिग्नल अप्लाय टू द व्हर्टिकल डिप्लेटिंग प्लेट्स. नाव दुसरा ब्लॉक पाहिला होता आपण ट्रिगर सर्किटचा. सो ट्रिगर सर्किट गिव्ज इनपुट टू टाइम बेस्ड सर्किट. ट्रिगर सर्किट क्या करेगा, वो टाइम बेस्ड सर्किट को इनपुट देगा. ठीक है, ट्रिगर सर्किट हे आहे आपलं. हे ट्रिगर सर्किट काय करेल, तिथल्या टाइम बेस्ड सर्किटला म्हणजेच या टाइम बेस्ड जनरेटरला ते इनपुट देईल. ठीक आहे, हे इथून आलेलं आहे हे सिग्नल. ठीक आहे, ट्रिगर सर्किट काय करेल, या टाइम बेस्ड सर्किटला म्हणजे टाइम बेस्ड जनरेटरला ते इनपुट देईल. ठीक आहे, हे झालं सेकंड. थर्ड आहे द आउटपुट ऑफ टाइम बेस्ड जनरेटर. टाइम बेस्ड जनरेटरचं आउटपुट कोणाला दिलं पहा, दिस इज द टाइम बेस्ड जनरेटर. याचं आउटपुट आपण दिलंय हॉरिझॉन्टल एम्प्लीफायरला. ठीक आहे, सो टाइम द आउटपुट ऑफ द टाइम बेस्ड जनरेटर इज अप्लाइड बाय हॉरिझॉन्टल एम्प्लीफायर अँड देन अप्लाइड टू हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ऑफ द सीआरटी. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जे आहे सीआरटीच्या कॅथोड ट्यूबच्या, त्याला आपण ते नंतर सिग्नल दिलेला आहे. ठीक आहे, आउटपुट जे आहे टाइम बेस्ड जनरेटरचं, जो आउटपुट है ये टाइम बेस्ड जनरेटर का, वो हमने किसको दिया है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दिया है. और बाद में ये कहां पे गए हैं आपके, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को गया है. ठीक है, देन अप्लाई टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ द सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब. ठीक है, तो ये है आपका टाइम बेस्ड जनरेटर का फंक्शन. देन फोर्थ है सीआरटी कंसिस्ट ऑफ. सीआरटी में क्या क्या होता है आपके, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन. उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन दिखा है, ये देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गन है, ये पूरा आपका सीआरटी रहेगा. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गन रहेगा आपका. गन असेंबली विच इंक्लूड थर्मली हीटेड कैथोड. इसमें सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन होता है और वो गन असेंबली में वहां पे थर्मली हीटेड कैथोड्स होते हैं. एंड एक्सेलरेटिंग एनोड होता है एंड फोकसिंग एनोड होता है. एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड, ये सारे इसमें आपके सीआरटी में होते हैं. ठीक है, सीआरटी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, उसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है, वो गन असेंबली होती है, उसमें आपके थर्मली हीटेड कैथोड होता है, एक्सेलरेटिंग एनोड होता है एंड फोकसिंग एनोड होता है. ठीक, तो सीआरटी मी सांगितलं तुम्हाला, हा पूर्ण सीआरटी असेल आपला. हा जो शेप दिसतोय आपल्याला हा पूर्ण सीआरटी असेल, आणि सीआरटी म्हणजे कॅथोड रे ट्यूब, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन गन आहे आपली. ठीक आहे, नंतर इलेक्ट्रॉन गन असेंब्लीमध्ये आपल्याला थर्मली हीटेड कॅथोड इन्क्लूड करायचे, तिथं नंतर ऍक्सेलरेटिंग एनोड आहे त्यामध्ये आणि फोकसिंग एनोड आहेत. हे सगळं असतं आपल्या सीआरटी मध्ये. देन फिफ्थ पॉइंट आहे द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन असेंबली एंटर्स द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. जी इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन मधून येते. ठीक आहे, ही दिसते आपल्याला ही जी डॉटेड लाईन आहे ती आपली इलेक्ट्रॉन बीम. तर इलेक्ट्रॉन बीम जी इलेक्ट्रॉन गन कडून येते आपल्याला, ती कुठं दिलेली आपण, द इलेक्ट्रॉन बीम कमिंग आउट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली एंटर्स द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. ती कुठे एंटर होते, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मध्ये. ठीक आहे, इथून जाते ही, हे व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आहेत आपल्या आणि ह्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मध्ये आहेत, याच्यामधून ही इलेक्ट्रॉन बीम जाते आपली. इलेक्ट्रॉन गन कडून जी येणारी इलेक्ट्रॉन बीम आहे ती या व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स मधून जाते. ठीक आहे, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन बीम जो कमिंग आउट है आपके इलेक्ट्रॉन गन से आ रही है, वो यहाँ पे आपके डिफ्लेक्शन प्लेट्स में एंटर हो रही है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो आपके इलेक्ट्रॉन गन की तरफ से आ रही है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली की तरफ से आ रही है, वो एंटर होती है आपके डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में. देन सिक्स पॉइंट दिया है द स्क्रीन ऑफ द सीआरटी इंटरनली कोटेड विथ फॉस्फोरस मटेरियल. जो स्क्रीन होता है आपका सीआरटी का यानी कैथोड रे
ट्यूब का, वो इंटरनली कोटेड होता है आपका, ये इंटरनली कोटेड होता है आपका फॉस्फोरस स्क्रीन से, ठीक है, फॉस्फोरस मटेरियल से। द स्क्रीन ऑफ द सीआरटी इंटरनली कोटेड विथ फॉस्फोरस मटेरियल ऑन विच वी ऑब्जर्व वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल। जो स्क्रीन होता है सीआरटी का, वो इंटरनली कोटेड होता है आपके फॉस्फोरस मटेरियल से, जिस पे हम वहां पे इनपुट सिग्नल का वेवफॉर्म ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जी स्क्रीन है आपले सीआरटी ची, इंटरनली कोटेड असते फॉस्फोरस मटेरियल पासून, ही जी स्क्रीन आहे सीआरटी ची, ही इंटरनली कोटेड केलेली असते फॉस्फोरस मटेरियल, आणि त्या वरती आपण काय करतो, इनपुट सिग्नलचा वेवफॉर्म तिथं आपण ऑब्जर्व करतो। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ ईच ब्लॉक ऑफ द सीआरओ। सीआरओ के हर एक ब्लॉक के फंक्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया फंक्शन सारे ब्लॉक के। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं सीआरओ के। पहला तो है आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हम सीआरओ यूज करते हैं, सेकंड करंट मेजरमेंट के लिए भी हम सीआरओ यूज करते हैं, देन मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर मेजर करना है आपको तो भी हम सीआरओ यूज करते हैं। ठीक है, पहला करंट मेजरमेंट साठी यूज करतो आपण सीआरओ। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट साठी, करंट मेजरमेंट साठी आपण सीआरओ यूज करतो, फेज डिफरेंस मेजरमेंट साठी आपण सीआरओ यूज करतो, देन फेज मेजर करायचं आपल्याला त्याच्यासाठी सुद्धा आपण सीआरओ यूज करतो। फिफ्थ, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, अगर आपको फ्रिक्वेंसी मेजर करनी है तो भी हम सीआरओ यूज करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस मेजर करना है तो भी हम सीआरओ यूज करते हैं। ट्रेसिंग द वेवफॉर्म, हमें कुछ अब सिग्नल का हम अगर वेवफॉर्म ट्रेस करना है तो उसके लिए भी हम सीआरओ यूज करते हैं। देन मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी, जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है उसका एम्पलीट्यूड मेजरमेंट के लिए भी हम सीआरओ यूज करते हैं। ठीक है, जी वेरिएबल क्वांटिटी है त्याचा एम्पलीट्यूड मेजर करण्यासाठी आपण सीआरओ यूज करतो। टेलिव्हिजन सर्किट्स मध्ये सुद्धा आपण यूज करतो, रडार सर्किट्स मध्ये सुद्धा आपण यूज करतो। देन इट कॅन डिस्प्ले डिफरंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स, वेगवेगळ्या टाइपचे वेवफॉर्म्स आपल्याला सीआरओ वरती पाहायला मिळतात, मग त्यामध्ये साइन वेवफॉर्म आहेत, देन स्क्वेअर वेवफॉर्म आहे, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आहेत, ठीक आहे, किंवा सॉ टूथ वेवफॉर्म्स आहेत, अशा वेगवेगळ्या वेवफॉर्म्स आपण सीआरओ वरती तिथं पाहू शकतो। ठीक आहे, सो फॉर फाइंडिंग बीएच कर्व, बीएच कर्व फाइंड करण्यासाठी सुद्धा आपण सीआरओ यूज करू शकतो। फॉर स्टडिंग द हार्ट बीट्स स्टडी करण्यासाठी सुद्धा आपण सीआरओ यूज करतो। देन टू डिटेक्ट दी स्टँडिंग वेव्स इन ट्रान्समिशन लाईन्स, ट्रान्समिशन लाईन्स मधल्या ज्या स्टँडिंग वेव्स आहेत त्यांना डिटेक्ट करण्यासाठी सुद्धा आपण सीआरओ यूज करतो। ट्रान्समिशन लाईन्स में जो स्टँडिंग वेव्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सीआरओ यूज करते हैं। देन टू चेक फॉल्टी कंपोनेंट्स इन वेरियस सर्किट्स, फॉल्टी कंपोनेंट जो होते हैं वेरियस सर्किट्स में उसको चेक करने के लिए भी हम सीआरओ यूज करते हैं। ठीक है, जे फॉल्टी कंपोनेंट्स असतात वेरियस सर्किट्स मध्ये त्यांना चेक करण्यासाठी आपण सीआरओ यूज करतो। देन फॉर चेकिंग ट्रान्झिस्टर, ट्रान्झिस्टरला चेक करण्यासाठी सीआरओ यूज करतात। इट कॅन मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम इंटरवल मेजर करण्यासाठी सुद्धा सीआरओ यूज करतात। असे भरपूर सारे ऍप्लिकेशन आहेत सीआरओ चे, ऍप्लिकेशन किंवा युजेस म्हणू शकतो आपण। तर यापैकी तुम्हाला चार मार्कासाठी क्वेश्चन आला तर हे सगळे ऍप्लिकेशन तिथे लिहिता आले पाहिजे। ठीक आहे, समजले सीआरओ चे जे ब्लॉक्स आहेत त्याचे फंक्शन समजले सगळ्यांना। ठीक आहे, पाच सहाच ब्लॉक्स आहेत, या पाच सहा ब्लॉकचे फंक्शन आपल्याला लक्षात आले पाहिजेत। ठीक आहे, त्यामध्ये कुठले कुठले ब्लॉक सांगितले मी, पहिला व्हर्टिकल एम्प्लीफायर, डिले लाईन आहे, ट्रिगर सर्किट आहे, टाइम बेस जनरेटर आहे, हॉरिझॉन्टल एम्प्लीफायर आहे। ठीक आहे, हे मेन ब्लॉक्स आहेत, त्याचे फंक्शन्स आपण त्याच्या वर्किंग मध्ये सांगितले सीआरओ चे। ठीक आहे, तो इसमें कुछ डाउट है आपको सीआरओ में अभी, ये सीआरओ एक्चुअल फोटोग्राफ है सीआरओ का। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है सीआरओ तो ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीआरओ। ठीक है, अगर किसी को डाउट है सीआरओ में तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर।
Thank you for watching this video lecture again. We'll meet in the next lecture. Thank you. Thank you very much.